हेलो फ्रेंड्स आई एम रूहानी और आज मैं आपको एक experience, मेरा एक्सपीरियंस बताऊंगी मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस जब मैं वहाँ गई थी एयरपोर्ट इंटरव्यू देने तो वहाँ तीन सौ चार सौ लोग खड़े थे उनकी ड्रेसिंग सेंस को देख के मैं खूब घबरा गई कि मैं इंटरव्यू में सिलेक्ट हो पाऊंगी क्या नहीं उनके ड्रेस बहुत अलग थे इतने अच्छे लग रहे थे मुझे लगा मैं भी कैसी लग रही हूँ पर फिर उन्होंने हमारा ग्रुप डिस्कशन कराया पहले फिर उसमें उन्होंने हमें टॉपिक दे दिया विलेज वर्सेस सिटी पहले मुझे पता ही नहीं लगा कि मैं वहाँ क्या बोलूँ फिर जैसे तैसे करके मैंने वहाँ बोला उस चीज के बारे में फिर उसके बाद इन सब बच्चों ने वहां पे पच्चीस तीस बैठे थे उन्होंने भी बहुत अच्छा बोला और मैं थोड़ा उनको देख के कहती थी उनके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस भी था कई बच्चों में मेरे में इतना नहीं था और पर मैंने फिर भी जैसे तैसे बोल दिया फिर उसके बाद उन्होंने हमारा पर्सनल इंटरव्यू लिया उसमें बार पच्चीस तीस लोग बैठे थे वही और पहले उन्होंने एक एक करके सबको बुलाया उसमें मेरी फ्रेंड भी थी मेरे साथ तो पहले उसको बुलाया फिर उसका इंटरव्यू लिया फिर उसका इंटरव्यू लेने के बाद वो बाहर आई जब तब मैंने उससे सवाल पूछे कि क्या क्या पूछा था फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बुलाया मेरी बारी आई फिर उसके बाद मैं अंदर गई फिर उन्होंने पहले मैंने उनको ग्रीड किया फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे पहले सवाल पूछा मेरा इंट्रोडक्शन लिया फिर उसके बाद स्ट्रेंथ पूछी थी फिर उसके बाद वीकनेस पूछी फिर मैं कहा से पढ़ी वो पूछा था फिर उन्होंने पूछा कि आप इस लाइन में क्यों आना चाहते हो तो मैंने जवाब दिया था कि मेरे मैं मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करना चाहती हूँ मुझे कॉन्फिडेंस लेवल इम्प्रूव करना था मुझे नॉलेज लेनी थी मैनेजमेंट स्किल्स की जब उन्होंने मुझसे इंट्रोडक्शन पूछा तो मैंने इस तरह से जवाब दिया आई एम रूहानी द मीनिंग ऑफ माई ने स्पिरिचुअल एंड सेक्रेट Um, the meaning of my name is uh, I am quite similar to the meaning of my name as I am kind-hearted and passionate person. I belong to Sri Ganganagar, as it is also known as Food Basket of Rajasthan. I have completed my bachelor's in business administration. Currently, I want to make my career in airport service and my hobbies are reading books and traveling to new places my strengths are i am a dedicated and determined person my weakness are i am a perfectionist and try to achieve the best out of it if it requires more labor uh, my i have a lovely family of 5 my father is the head of the family my father is a farmer my mother is a homemaker i have two siblings वो अपनी वीकनेस बताई थी पर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अपनी weakness ऐसे ना बताए जब तक वो ना पूछे जब वो पूछे तभी आप बताएं फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आप यहाँ बाहर रह लोगे कि नहीं तो मैंने कहा आई एम अ वर्सिटाइल आई तो आप ऐसे भी बोल सकते हो तो मैंने उनको बताया कि मैं ग्रेजुएशन के लिए बाहर रही हुई हूँ आई एम अ वर्सिटाइल आई डोंट हैव होम सिकनेस और मैं बाहर रह सकती हूँ या फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आप यहाँ एयरपोर्ट में जॉब क्यों करना चाहते हो तो मैंने कहा कि आई डोंट लाइक द टाइम ऑफ नाइन टू फाइव और मुझे यहाँ नए नए लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता है कि वहाँ उनके एक्सपीरियंस जानना कि कैसे टिकट लेते हैं कैसे नहीं तो उन्होंने मुझसे ये पूछा था फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरे दोस्त मेरे बारे में क्या सुछ? सोचते हैं मेरे पेरेंट्स मेरे बारे में क्या सोचते हैं और मेरे कलीग्स मेरे बारे में क्या सोचते हैं तो मैंने कहा कि आई एम अ पर्चुअल पर्सन आई एम ऑल्सो एंड होनेस्ट पर्सन तो मैंने ये जवाब दिया था तो फिर उन्होंने मुझसे सैलरी के बारे में पूछा तो मैंने कहा मेरे लिए सैलरी इतनी इम्पोर्टेंट है जितनी जॉब और मुझे वर्क एक्सपीरियंस जानना था और आपको एक जरूरी क्वेश्चन बताना चाहते हो जो वो पूछते हैं वो है इंट्रोडक्शन तो इंट्रोडक्शन में कई बच्चे बहुत गलती कर रहे थे कि वो अपने बारे में तो नहीं बता रहे थे पर अपने मम्मी पापा के बारे में बता रहे थे घर वालों के बारे में ज्यादा ही बता रहे थे तो आपको ऐसा नहीं करना है आपको अपने बारे में बताना है अपनी स्ट्रेंथ्स बतानी है जैसे आई एम अ डिटर्मेंड एंड डेडिकेटेड पर्सन आई एम पंचुअल एंड आई एम वर्सिटाइल तो ये आपको ऐसे बताना है आपको कोई एक्सपीरियंस है और आपके अच्छे नंबर आए तो आप क्वालिफिकेशंस अपनी बता सकते हो उसमें कि आप बहुत हार्ड वर्किंग हो आप बहुत होनेस्ट हो फिर उन्होंने मुझसे पूछा जैसे मैंने पहले जवाब दिया था सैलरी के बारे में कि मुझे सैलरी इतनी नहीं चाहिए मुझे वर्क एक्सपीरियंस चाहिए तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर आपको सैलरी ना मिले तो आप फ्री में काम करोगे तो मैंने कहा नहीं मेरे लिए जॉब जाए आप जितनी भी दो सैलरी जितनी भी दो पर मेरे लिए मेरी जॉब ही है और मैं एक्सपीरियंस लेना चाहती हूँ उससे कि मेरे लिए वर्क की वर्कशिप है अब मैं आपको एक ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ ध्यान से सुनिए ये बहुत आपके लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट तो हमारे एयरपोर्ट नाम से बहुत फ्रॉड होते हैं तो कई मैसेजेस आते हैं बाहर से कि आप ये पे करो ये पे, इतने पे करने हैं तो आप पे नहीं करेंगे कि कंपनी अब वहाँ से नहीं भेजती है ये बाहर से आउटसाइडर्स भेजते हैं तो ये कंपनी के गुडविल को खराब कर रहे हैं ये डेली हो रहे हैं तो उसके बाद भी हमें मनोज सर ने हमें बहुत वीडियोस में बताया पर उसके बाद भी फिर भी ये फ्रॉड हो रहे हैं तो आप अपने पैसे बर्बाद ना करें और इन्हें पे ना करें अगर आपको कोई भी सवाल पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं हम आपका जवाब जरूर देंगे वहाँ पे कमेंट बॉक्स में और मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि जब भी आप इंटरव्यू में जाए तो वहाँ किसी भी चीज में पे ना करें ओके स्टूडेंट्स बेस्ट ऑफ लक टू टू एवरी वन तो आप मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आप सबको जॉब मिले और आप जहाँ भी जाना चाहें वहां जा सकते हैं